आप सबों को जय गुरु। गुरु। देखिए, सेवा एक बहुत बड़ा धर्म है। महर्षि व्यास ने लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिवर्तनम्। यानी 18वें पुराण का सार यदि निकालें तो उसमें जो बड़ी बात कही गई है, विशेष बात कही गई है, वो ये है कि परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं। दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य है। और ठीक इसी बात को देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं थमाई। यानी दूसरे की भलाई से बढ़कर के कोई लाभ नहीं, कोई धर्म धर्म। और स्वामी विवेकानंद ने एक जगह उद्घोष किया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम्हें नींद आ जाती है तो तुम समझ लो कि तुम देशद्रोही हो। ज्यादा दूर नहीं, आप एनसीईआरटी 12th क्लास की किताब निकल के देखिए, उसमें लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा कि मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है। और जब तक लाखों लाख हमारे भाई बंधु भूखे हैं अज्ञानता में, तो हर व्यक्ति देशद्रोही है जो शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो कहने का मतलब कि सेवा अवश्य भाव होना चाहिए हमारे अंदर, सेवा का भाव। और इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके गुरु महाराज की असीम कृपा से और संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के निर्देशों के अनुसार, आदेशों के अनुसार, महर्षि में ही सेवा ट्रस्ट का गठन अभी जस्ट पिछले महीने किया गया है। भारत सरकार से इस संस्था को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अब इसमें देखिए करना क्या है। यह जो संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का गठन हो चुका है। संरक्षक इसके स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज हैं, जो सब लोग जानते हैं, संत मत के प्रखर युवा सन्यासी। स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज को अखिल भारतीय स्तर पे संरक्षक बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का गठन हो गया है। अब इसमें राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर तेजी से गठन का कार्य चल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के टीम का गठन हो गया है। अब जैसे बिहार की टीम है, बिहार झारखंड की संयुक्त टीम है, उनके प्रदेश अध्यक्ष अमरेश बाबू को बनाया गया है। अभी हाल में गुजरात टीम का गठन हुआ तो उसमें अध्यक्ष जी जो है हमारे विंदेश्वरी बाबू एक बने हैं। ये सारे लोग सेवा को समर्पित हैं। इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य सेवा है। अब इसमें मैं आप लोगों को यह इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी इस महर्षि मही सेवा ट्रस्ट से जुड़िए। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसका सदस्य बनना है। सदस्य बनने के लिए कुछ नहीं, आपको मात्र ₹1 मिनिमम, न्यूनतम ₹1 इसकी सदस्यता शुल्क रखी गई है। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी ही देर में यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। आप अगर हमारे इस महर्षि मही सेवा ट्रस्ट का सदस्य बनते हैं तो जैसे ही आप सदस्य बनने के लिए स्वीकार करेंगे तो हम आपको सदस्यता के लिए एक उसका नियुक्ति पत्र दे देंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि आप आज से सदस्य बन गए। और उसके लिए आपको मिनिमम, न्यूनतम ₹1 प्रतिदिन देना होगा। अधिकतम आपकी मर्जी, अधिकतम आप जो दे सकते हैं। जैसे मैं कई लोगों को ये बता रहा हूं तो कुछ लोग इतने प्रभावित हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तो ₹5 दूंगा इसके। तो इसमें मेरा अभी हम लोगों का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मेंबर बना सके, अधिक से अधिक सदस्य बनाया जाए। क्योंकि जब हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तभी इसके कोष में पैसा आएगा और उसके बाद साथ साथ सेवा का कार्य भी शुरू होगा। जैसे जो इलाज नहीं करा सकते उनको कम दाम में या मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराना, इन सारे कामों में हमारी टीम जो है वो लगेगी। और इसके लिए आपको सिर्फ इसका सदस्य बनना है। और इस रुपये का यूज, इस रुपये का उपयोग हम इन सेवा कार्यों में करेंगे। एक बात और, जैसे मान लीजिए आप सदस्य बन जाते हैं तो आप सदस्य बनते ही आप भी सेवा के लिए अधिकृत हो जाते हैं। यानी जहां भी हमारा शिविर लगेगा आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि हाँ सेवा हो रही है कि नहीं, भोजन दिया जा रहा है कि नहीं, कपड़े दिए जा रहे हैं कि नहीं, उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप से, फेसबुक से या न्यूज़पेपर से भी मिलेगी। अगर आप नहीं जा सकते तो भी वो सूचना फोटोज आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, जिसे आप देख सकते हैं। और नहीं, अगर आप जाते हैं वहां देखते हैं, और देखते ही नहीं बल्कि आप अगर चाहें तो वहां पर सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही सदस्य बने तो आप उसके
अधिकृत हो जाते हैं कि आप सेवा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि तन से मन से धन से सभी से आपको गरीबों की सेवा करने का, बेसहारों की मदद करने का एक अवसर ये महर्षि मेह सेवा ट्रस्ट दे रहा है। विचार कीजिए, हम आज जहां भी पहुंचे हैं, जिस भी जगह आप पहुंच पाए हैं, इस समाज का भी हमारे हमारे लिए हमारे यहां तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा एक फर्ज बनता है कि जो लाखों गरीब लोग हैं, लाखों हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए भी हम कुछ सोचे, उनके लिए भी कुछ करें। अब जैसे मान लीजिए हमारे कोष में पैसा बढ़ता जाएगा, हमारा सदस्यता बढ़ती जाएगी, सदस्य बढ़ते जाएंगे तो हमारा कार्य और बढ़ता जाएगा, और कहीं राहत का कार्य है, अचानक से कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो हमारी टीम जो है वहां राहत कार्य करेगी। अखिल भारतीय संत महत सत्संग होता है, वहां हमारी टीम जाएगी और देखेगी कि अगर मान लीजिए वहां भोजन की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, तो हम लोग वहां उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। तो आपको सिर्फ अभी इतना करना है कि इन बातों को आप समझें और आप इसका सदस्य बने। सदस्य बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपको सदस्यता के लिए उसका नियुक्ति पत्र देंगे और सदस्य बन जाएंगे आप। पैसा कैसे देना है उसके लिए आपको महर्षि में ही सेवा ट्रस्ट का एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आप चाहे तो बैंक में जाकर के पैसा जमा कर सकते हैं, चाहे तो उसी अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, या हम या हमारे कोई भी प्रतिनिधि अगर आपसे मिलते हैं पर्सनली तो आप उनको हाथ में भी पैसा दे सकते हैं। अब एक रुपया डेली तो कोई देगा नहीं, एक रुपया नित्य का मतलब हुआ कि जैसे 365 रुपया हुआ साल का, तो आप जब मिलेंगे तो एक ही बार 365 रुपया दे दिया और वो एडवांस हो गया एक साल का, या आप मोबाइल से या इंटरनेट बैंकिंग से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ, जैसे ही मिलेंगे और जैसे ही पैसा आपको आप देंगे, आपको एक रसीद मिलेगी महर्षि मेह सेवा ट्रस्ट की। बिना रसीद के कोई भी ना तो पैसा लेगा ना देगा, देते वक्त या लेते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा सारे लोग कि पैसा के लिए रसीद दिया जाए, क्योंकि इस संस्था में सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। ट्रांसपेरेंसी हमारे जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वो अरविंद बाबू बने हैं, विचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन एक हिसाब रखेंगे कि कोई भी आदमी कभी भी देख सकता है कि हमारी कितनी इनकम है, क्या क्या खर्च हो रहा है और अभी हमारा कितना बचत है, जैसे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो कोई भी देख सकता है। अब जैसे इसकी ऑफिस की बात है तो दिल्ली में गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ ऑफिस बन चुका है। महर्षि मेह आश्रम कुप्पाघाट में भी इसका एक कार्यालय स्थापित किया गया है, और जैसे जैसे हमारा ब्रांच बढ़ता जा रहा है, अब जैसे मान लीजिए अमरेश बाबू है तो अब वो बेगूसराय की टीम का गठन कर रहे हैं, चंदौली का गठन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, तो ऐसे ही हर एक जिला वाइज और जरूरत पड़ा तो फिर प्रखंड वाइज मंत्री महामंत्री अध्यक्ष आदि का गठन हो रहा है और सदस्यता बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे सदस्य बढ़ते जाएंगे, हमारे कोष में पैसा बढ़ता जाएगा, आपको दिखता जाएगा कि सेवा कार्य हो रहा है, और आप खुद देखें, खुद सेवा भी करें और खुद उसमें सहयोग भी करें। इसी बातों के लिए महर्षि मेह सेवा ट्रस्ट का गठन है, आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं, पूरी तरह से दिल खोल करके इसमें भाग लीजिए, सदस्य बनिए, और न सिर्फ बनिए बल्कि इसका प्रचार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, क्योंकि ये मेरी संस्था नहीं, ये गुरु महाराज की असीम कृपा से आचार्य श्री के निर्देशानुसार ये संस्था बनी है, और इसका उद्देश्य एकमात्र गरीबों की बेसहारों की सेवा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।